तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द राष्ट्रवादी में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए करके आया हूँ योगी आदित्यनाथ जी की वो भाषण, जिन भाषणों में उनका हिंदुत्व साफ साफ झलका। तो दोस्तों अगर वीडियो को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी वो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मुझे ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, आपके सहयोग की। तो सभी हिंदू भाई एक साथ वो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों ये रही पहली वीडियो जिसमें एक पत्रकार ने योगी जी से पूछा कि क्या आप जिस तरह राम मंदिर की पूजा में गए थे, क्या आप उसी तरह मस्जिद के शिलान्यास में जाएंगे। तो देखिए योगी जी ने क्या कहा। अगर सौहार्द कायम करने के लिए इसी अयोध्या की भूमि पर राम मंदिर का निर्माण होगा और इसी अयोध्या की भूमि पर दूसरे पक्ष की मस्जिद का निर्माण होगा, आप वहां जाएंगे? देखिए, अगर आप मुझसे एक मुख्यमंत्री के रूप में पूछेंगे तो मुझे किसी मत मजहब संप्रदाय से कोई परहेज नहीं। एक योगी के रूप में पूछेंगे तो कतई नहीं जाऊंगा। इसलिए नहीं जाऊंगा, मैं एक हिंदू, एक हिंदू के रूप में मुझे अपनी उपासना विधि को व्यक्त करने और उपासना विधि के अनुसार आचरण करने का पूरा अधिकार है। तो एक योगी के नाते आप नहीं जाएंगे, एक मुख्यमंत्री के नाते एक बार मुझे लगता है, तो आए थे। मुझे लगता है कि मैं वहां न वादी हूं न प्रतिवादी हूं, न वादी हूं न प्रतिवादी हूं, इसलिए न कोई मुझे बुलाएगा और न मुझे वहां जाना है। तो दोस्तों बीच में कैसा दौर आया था जब उत्तर प्रदेश की गलियों गलियों में से शांति दूत पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो देखिए योगी जी ने उसका क्या जवाब दिया था। हम कहना चाहते हैं जिन्हें पाकिस्तान प्यारा है वे पाकिस्तान में जाएं। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है पाकिस्तान चले जाएं। हम उसको रोकेंगे नहीं, अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। व्यवस्था कर देंगे, लेकिन यह नहीं हो सकता है कि भारत के अंदर रह करके पर्व और त्योहार के नाम पर इस देश की संविधान की व्यवस्था को, देश के संवैधानिक व्यवस्था को कोई चुनौती देने का कार्य करेगा तो चेतावनी हमें स्वीकार्य नहीं। हम उसका जवाब उसी भाषा में, और उसका जवाब जिस भाषा में वो जानेगा, जिस भाषा में वह उस सीखना चाहता हो, जिस भाषा में वह अच्छी तरह समझ सकता हो, उस भाषा में उस जवाब को हम देना जानते हैं। और अगर प्रशासन ही चाहता है तो फिर तैयारी कर ले। यह हमारे लिए बहुत कठिन नहीं, इस प्रकार के तत्वों पर नकेल कसना, एक झटके में सब काम ठीक हो जाएगा। दोस्तों अब बारी है इस वीडियो की जब योगी जी ने ओवैसी को रेला और उनके पीछे खड़े गार्ड भी सुनकर के हंस पड़े। सीखे अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस। बहुत दिन चलेगा नहीं ये, उन सबका सबको मालूम है कि आने वाला समय और आने वाला दिशा क्या होने जा रही है। यह हिंदुत्व की सदी है, और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं दुनिया की सदी होगी। पूरी दुनिया के अंदर हिंदुत्व का झंडा एक बार पुनः मजबूती के साथ भगवा झंडा दुनिया के अंदर कोने कोने में लहराएगा। उसके अनुसार एक बार पुरुषार्थ किए जाने की आवश्यकता है। हिंदू कभी निराशावादी नहीं हो सकता। तो दोस्तों भारत में अक्सर ऐसा होता है कि रमजान का महीना और दुर्गा पूजा लगभग एक ही महीने में पड़ जाते हैं, तो ऐसा भी इस बार हुआ। और इस बार जो योगी जी का प्रशासन है वो उनके पास गया, बोला कि अगर दोनों एक साथ मनाए जाएंगे तो दंगे हो सकते हैं, इसलिए हम पूजा के समय को थोड़ा कम कर देते हैं, पहले पूजा करवा के हटा देते हैं। तो योगी जी ने क्या कहा, आप उनकी बात सुनिए। मुझे याद है एक साथ पूरे देश के अंदर दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक साथ हो गए थे, उत्तर प्रदेश में भी था, बंगाल में भी था। उत्तर प्रदेश में हमारे अधिकारी आए, उन्होंने कहा कैसे आयोजन हो पाएंगे, क्या पूजा के समय करते। मैंने कहा पूजा का समय के आगे पीछे नहीं होगा, जब पूजा होनी है मां की तभी पूजा होगी।
और समय बदलना है तो मुहर्रम के जुलूस के समय को बदल दो। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, जब योगी जी सीएम नहीं थे तो उस टाइम उत्तर प्रदेश में काफ़ी दंगे हुए थे। तो उसमें योगी जी ने कुछ भी न रहते हुए, सिर्फ एक सांसद थे, उन्होंने अपनी हिंदू युवा वाहिनी को उत्तर प्रदेश के कोने कोने में सक्रिय कर दिया था कि कहीं किसी हिंदू के साथ कुछ बुरा ना होने पाए। तो देखिए, जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या आपकी हिंदू युवा वाहिनी अब सरकार चलाएगी, तो देखिए योगी जी ने क्या कहा। शक्ति का संतुलन हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो संतुलन करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन दंगाइयों को किसी भी स्थिति में बख्शेंगे नहीं। तो ये आप डरा रहे हैं? डरा नहीं रहा हूं मैं, डरा हम लोगों ने नियंत्रित किया है, बिना सत्ता के बल पे किया और आगे भी करेंगे हम लोग। जिस ढंग से आप डरा ये रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, मैं डरा नहीं रहा हूं, उनको जागरूक कर रहा हूं कि जिस ढंग से पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में आपकी हिंदू युवा वाहिनी जिस ढंग से काम करती है, गोरखपुर ही नहीं, हम लोगों ने आजमगढ़ को भी नियंत्रित किया है। अगर जरूरत पड़ी, आजमगढ़ से सब लोग डरते थे, अब आजमगढ़ में हर व्यक्ति जा सकता है, अब आजमगढ़ में जाने में किसी को संकोच नहीं। और ये मान के चलिए किसी ने किया तो हिंदू युवा वाहिनी जैसे संगठनों ने किया है, और आगे भी हम लोग करेंगे, रोकेंगे। एक भी उदाहरण आप नहीं दे सकते जहां पर किसी हिंदू संगठन ने दंगा किया हो या अपने स्तर पर कोई कानून अपने हाथों में लिया हो, लेकिन शक्ति का संतुलन बनाने की आवश्यकता है, और वह शक्ति का संतुलन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बनाएंगे। तो दोस्तों, जो ये पत्रकार ने पूछा योगी जी से कि आप जो मुस्लिम नाम है जगहों के उनको बदल क्यों रहे हैं, तो योगी जी ने क्या कहा, ये देखिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दिल में हिंदू रहते हैं, ये तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप एक पीठ के महंत हैं और आपकी पूरी विरासत है, लेकिन इस दिल में कहीं मुसलमानों के लिए भी थोड़ी जगह है? सबका विकास, सबका साथ। देखिए आप, हम लोग जब विकास कर रहे हैं तो विकास में फिर जाति मत मजहब कहां से आ जाता है? कहां से आया मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, पहले मैं बताता हूं, सुन लीजिए कि गोरखपुर में अगर कोई मोहल्ला है, बाजार है, जिसका नाम था मियां बाजार, आपने उसको कर दिया माया बाजार, करवा दिया। अली नगर कोई था, उसको करवा दिया आर्य नगर। उर्दू बाजार को कर दिया हिंदी बाजार। अब दो दुकान वहां है, एक किसी रामलाल की है तो हिंदी बाजार है, एक सुलेमान की है तो उर्दू बाजार है। ये आपका गोरखपुर है जो आपने किया, इसलिए मैंने पूछा। हमने तो कहा कि हमने किया है, नहीं, हुमायूंपुर को हमने हनुमानपुर कर दिया है, इस्लामपुर को ईश्वरपुर कर दिया है, और भी करेंगे, अभी जी और भी बदलेंगे, जो हमारे अनुकूल होगा हम वो काम करेंगे, जिससे हमारी पहचान होगी उसको हम करेंगे। और कोई जब इसको आप, भी तो बोलिए, आप कहिए कि मेरे दिल में सिर्फ हिंदू बसते हैं और मैं सबका साथ सबका विकास, नहीं, हिंदू का साथ हिंदू का विकास, फिर सबका हटा दीजिए, फिर ये विकास, ये तो नामकरण हुए हैं। हम जब फर्टिलाइजर कारखाना खोलते हैं तो उससे सभी लोग लाभान्वित होते हैं, हम एम्स खोलते हैं तो उससे सभी लाभान्वित होते हैं, हम सड़क बनाते हैं तो सभी लोग उससे लाभान्वित होते हैं, हम गोरखपुर में वायु सेवा शुरू करते हैं तो सभी लोग उससे, केवल हिंदू ही थोड़े जाते हैं। तो दोस्तों, अब वो वीडियो जब योगी जी से पूछा गया कि क्या आप ताजमहल का नाम राम महल कर देंगे, तो देखिए योगी जी ने क्या कहा। अभी आपने कहा कि एम्स में सबका इलाज होगा, जाहिर होगा, वहां ऐसा कोई इंतजाम नहीं हो सकता। आखिर ये हम ही लोग तो करा रहे हैं, जाहिर है, वहां ऐसा नहीं हो सकता कि दाढ़ी वाला देख कर उसको कहीं और भेज दिया जाए, टीका वाला देख कर कहीं और भेज दिया जाए। भेदभाव कहां है? लेकिन फिर ये लड़ाई क्यों ऐसी है कि मियां बाजार का नाम माया बाजार या उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार, अली नगर को आर्य, जिसका जो नाम है रहने दीजिए। क्यों रहने दे? नहीं, मैं क्यों रहने दे, इसका तर्क मैं जानना चाह रहा हूँ, क्यों रहने दे, हम जानना चाह रहा हूँ इसका तर्क। कोई तर्क ये है कि यह देश पहले वह माया बाजार था, औरंगजेब के समय मियां बाजार हो गया, हमने कहा नहीं, इसको फिर से माया बाजार करो। इस्लामपुर नहीं था, पहले ईश्वरपुर था, इस्लामपुर जबरन कर दिया गया, हमने कहा फिर से ईश्वरपुर करो। तो ये जो हनुमानपुर था उसको हुमायूंपुर किया गया, फिर से हनुमानपुर किया गया, बहुत अच्छा, कोई बुरा नहीं किया। अगर किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा, एक मिनट, किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी कालखंड में कुछ ऐसा कार्य किया गया है उसको बदला जाना चाहिए, यह देश की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई भी है। सही बात है। तो आप ताजमहल का नाम राम महल कर सकते हैं? क्यों नहीं करेंगे, कर देंगे, बिल्कुल किया जाना चाहिए, आवश्यकता है तो किया जाना चाहिए। दोस्तों, अब वो वीडियो जब योगी जी ने शाहरुख खान को लपेट लिया, देखिए ये वीडियो। इस देश के अंदर वामपंथी विचारधारा के कुछ कथित लेखकों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है, दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं।
शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पर भटकना पड़ेगा। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आई हो तो मेरा सहयोग जरूर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अब अपना ख्याल रखना। जय श्री राम।